हाई एवरी वन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स. आई एम अर्पिता, योर सोशल साइंस टीचर. सो हम इस चैप्टर में बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने इस बारे में बात किया था कि बैंक्स लोन कैसे देती है, और आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, एक्चुअली हम जिस बारे में आज बात करेंगे वो यहाँ है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ RBI एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर्स इन इंडिया. सो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. तो कोऑपरेटिव्स जैसे बैंक्स होती है, बैंक्स लोन देती है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती है जो कि लोन देती है. नाउ सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? अलग अलग जगह हो और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर्स या सोसाइटीज़ बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, अगर उसे लोन चाहिए तो उसका जो लोन देने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा वो अलग होगा. वेर एज़ अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अगर कोई लोन देगा तो वो अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी लोन देती है, सिमिलरली बैंक जैसे. सी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है? द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. अब बैंक क्या होता है ना, कि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है. वेयर एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है रूरल एरियाज में, मतलब विलेजेस में, वो लोग इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. इसीलिए क्या होता है कि दे गो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर दैन द बैंक्स. Then there are several types of cooperatives possible, such as farmers cooperatives. Farmers लोगों के लिए अलग cooperatives होती है, weavers लोगों के लिए अलग cooperatives होती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स लोगों के लिए क्या होता है, अलग कोऑपरेटिव्स होती है. ऐसे अलग अलग लोगों के लिए, जैसे वीवर्स अगर फार्मर्स कोऑपरेटिव्स में जाएंगे तो उनको वहाँ से लोन नहीं मिलेगी, उनको क्या होगा, वीवर्स कोऑपरेटिव से लोन लेना पड़ेगा. सो ऐसा क्या है, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि लोन देते हैं इन रूरल एरियाज. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, लोन्स फॉर कल्टिवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर अ वराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस. इसका नाम क्या है, कृषक कोऑपरेटिव. जैसे कृषि जो करते हैं उन लोगों के लिए जो है ये कोऑपरेटिव प्रोवाइड क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है. फिशरी लोन्स, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये सब क्या है, लोन्स प्रोवाइड करती है. और क्यों लोग यहाँ पे जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, बिकॉज पहला बात तो अवेयर नहीं है लोग रूरल एरियाज में उतनी ज़्यादा बैंक में जाकर बात करना, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है. ठीक है, उन लोगों के पास उतना ज़्यादा नॉलेज, वो समझ नहीं आता है, और बैंक में अच्छे तरह से उन लोगों को समझाया नहीं जाता है. तो इसीलिए क्या होता है कि उनको डर लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ में नहीं आएगा. तो ये क्या चाहते हैं ना, कि रूरल एरियाज विलेज के लोग क्या चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही हमारे गांव में ऐसा ही कोई लोग होना चाहिए जिसे हम पर्सनली जानते हो, और वो भी हमें जानता है, और वो क्या है कि हमें ऐसा लोन दे रहा है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, ऐसा अलग अलग सोसाइटीज़ है जो कि अपने लोग, जो लोग उनसे लोन ले रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि ये करना होगा, वो करना होगा, और उसके बाद क्या होता है, लोन्स दे देते हैं. तो क्या हो जाता है, फार्मर्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके बात करने के लिए और लोन्स लेने के लिए. सो दिस वॉज लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. नाउ वॉट इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आ जाते हैं, बैंक्स आते हैं एंड देन कोऑपरेटिव्स आते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमने अभी जो पढ़ा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया में क्या आ जाता है, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स एंड फैमिली रिलेटिव्स एंड
फ्रेंड्स। नाउ अब आपको लगेगा कि मैम बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, फैमिली रिलेटिव्स ये तो बता दिए कि क्या क्या आता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया होता क्या है एंड नॉन फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर इन इंडिया क्या होता है। सो फॉर्मल जो वर्ड होता है, हमने फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स लिखा है, राइट? तो फॉर्मल लेटर्स क्या होता है, हम ऑफिस में, स्कूल्स में, इसमें लिखते हैं। वेयर एज इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है, हमें फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इसको लिखते हैं, राइट? वैसा ही सेम सिनारियो है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर कोई लोन देता है वो होता है फॉर्मल सेक्टर्स, जैसे कि बैंक्स। बैंक्स आपको क्या क्या चाहिए, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, राइट? ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, स्टेट आईडी कार्ड मांगेगा, आधार आईडी, पैन कार्ड वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ मांगते हैं। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, कि आपको अगर लोन दे रहे हैं तो आप फ्रॉड तो नहीं निकल जाओगे। इस रीज़न के वजह से क्या होता है कि बैंक्स बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन करते हैं। तो फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर ये होता है, बैंक्स आ जाता है एंड कोऑपरेटिव्स आ जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी ऐसा ही होता है, बट क्या होता है कि लोग थोड़े फेमिलियर होते हैं, क्योंकि एक एक सोसाइटी अलग अलग जगहों और जो अलग अलग जनों के लिए बना हुआ है, तो लोग फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन वो भी क्या है, फॉर्मल सेक्टर ही है। सो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है कि फॉर्मल वे में आपको लोन दिया जाता है। तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहेगा कि कब आपने लोन लिया है, कितने दिन में चुकाना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारा चीज़ क्या हो जाता है, फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। वेयर एज इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि आपके पास अगर 100 रुपया कम हो या फिर आप घर बना रहे हैं तो आपको 1000 रुपया चाहिए, तो आपने क्या किया, मनी लेंडर्स क्या होता है, विलेजेस में क्या होता है कि लोग होते हैं, ठीक है, नॉर्मली जमींदार लोग जो होते हैं उनके पास पैसा होता है, तो जो लोग उन लोगों के ज़मीन में एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं उन्हें क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। जैसे कि बेटी की शादी हो रही है तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दे दीजिए, तो क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने दे दिया, तो मनी लेंडर्स वैसे करके पे करते हैं। एंड रिलेटिव्स क्या हुआ कि अगर आपका घर बन रहा है या फिर आपको एजुकेशन के लिए चाहिए या आपके बच्चे को बाहर भेज रहे पढ़ने के लिए अब्रॉड फॉर स्टडीज़, तो ये ऐसे क्या होता है कि रिलेटिव से चलिए पैसा मांग लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इनफॉर्मल सेक्टर कहा गया है। अब फॉर्मल सेक्टर में क्या हो जाता है कि फॉर्मल सेक्टर में आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, तो क्या होगा कि आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, ना ही बैंक आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो है, आप भी, आपके पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है रिटन में और उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या हो जाता है कि अगर एक मनी लेंडर आपको बोलता है कि मुझे एक महीने में आपको 5000 रुपीज देना है, तो आप तो यू विल बी फाइन कि ठीक है, मेरे को हम एक महीने में काम करके 5000 रुपीज दे देंगे। बट कब वो चेंज हो जाएगा और कब वो बोलने लगेगा कि 5000 नहीं, आपको मुझे 10000 देना था, यू नेवर नो, बिकॉज कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई साइन नहीं किया होता है, कोई विटनेस नहीं होता है। तो क्या होता है कि ये बहुत, इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। सो दिस वॉज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, इसी में हम लोग देखेंगे कि जो ग्राफ है ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे क्या है कि सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट, जो लोन लेते हैं, जो उधारी लेते हैं, हम लोग देखेंगे कि लोग कहाँ कहाँ से लेते हैं मोस्टली और कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है। रूरल हाउस होल्ड, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूरल हाउस होल्ड। हम अपने दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि कोई सिटी का लोग ले रहा है, ठीक है, जो सिटी, अर्बन सिटीज़ में रहते हैं वो लोग लोन ले रहे हैं, ये दिमाग में नहीं रखना है। आपको दिमाग में रखना है कि कोई एक फार्मर है वो कैसे लोन ले रहा है, कोई विलेज में रहता है वो कैसे लोन ले रहा है और कहाँ कहाँ से लोन ले रहा है, बिकॉज ये रूरल हाउस होल्ड का केस है। सी, सबसे पहला जो हम लोग क्या देख सकते हैं, दिस वन 33% क्या होता है, मनी लेंडर्स से वो लोग लोन लेते हैं।
एंड देन क्या हो गया, कमर्शियल बैंक्स, जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक से क्या है 25% लोन लेते हैं, एंड सेम कोऑपरेटिव बैंक्स से भी क्या है 25% ही लोन लेते हैं, और बाकी जो छोटा मोटा है जैसे कि लैंडलॉर्ड से 1% ले लिया उन्होंने लोन, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से ले लिया, ये सब क्या, ये क्या हो गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर। अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 2%, गवर्नमेंट 1%, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 5%। तो ये क्या हो गया, मोस्टली हम यहाँ पे तीन चीज दे सकते हैं, वन इज मनी लेंडर, सेकेंड इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड थर्ड इज कमर्शियल बैंक्स। तो क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कमर्शियल बैंक से क्या ले लिया, सो इन्होंने 25% एंड मनी लेंडर से क्या हो गया 33%। सो आप देख सकते हैं कि वो लोग क्या है, मोस्टली मनी लेंडर्स को ट्रस्ट करते हैं कमर्शियल बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज़्यादा, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज यही रीज़न है कि ये लोग क्या होता है कंफर्टेबल फील कराते हैं, बाद में आपके साथ फ्रॉड करे या आपका पैसा मार ले या आपका पैसा डबल करके बोले, डजेंट मैटर, क्या होता है कि उनको भरोसा है कि हम उनसे लेंगे लोन, मनी लेंडर जो है उनसे हम लोन लेंगे, जबकि कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स या सोसाइटीज़ में वो जाना नहीं चाहते हैं। एक हो सकता है कि उन्हें लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, या मनी लेंडर्स कम लेते हैं, या फिर टाइम मांग सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो ग्राफ है हमें बताता है कि मनी लेंडर्स से क्या होता है कि 33% लोग प्रेफर करते हैं मनी लेंडर्स। सो दिस वॉज रूरल हाउसहोल्ड का ग्राफ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फंक्शंस ऑफ RBI। अब आप सोचेंगे कि RBI यहाँ पे बीच में कहाँ आ गया, एंड लेट मी से RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आपको लगेगा कि यहाँ RBI कहाँ से आ गया, बट RBI जो है वो बैंक जो है इट इज़ ए एपेक्स बैंक। जो हमने फॉर्मल सेक्टर पढ़ा कि बैंक्स संभालता है या फिर बैंक जो लोन देता है फॉर्मल सेक्टर में, जो RBI है वो क्या हो गया, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सो RBI ही सारा लुक आफ्टर करता है बैंक्स का। सी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है, मतलब बैंक से जो भी लोग लोन लेते हैं, कोई भी बैंक हो, वो कौन लुक आफ्टर करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लुक करता है, मतलब चेक करता है, ठीक है। द RBI मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस जो है वो RBI देखता है कि प्रॉपरली मेंटेन करता है कि नहीं। अब कैश बैलेंस क्या हो गया, जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो टाइप के लोग आते हैं बैंक में, एक डिपॉजिट करने और एक क्या करने, लोन लेने, राइट। तो ये दोनों के बीच वाला जो अमाउंट हो जाता है, जैसे कि डिपॉजिट किया, पैसा डिपॉजिट किया, उसे लोन वापस कर दिया, तो ये जो पैसा होता है ना, ये पैसा का जो खेल चलता है, कैश बैलेंस जो चलता है, वो क्या करता है, RBI ही मॉनिटर करता है। ये देखता है कि जो भी लोग मेरे पास लोन लेने आ रहे हैं उन्हें प्रॉपरली लोन मिल रहा है कि नहीं। अब क्यों उनको इतना कुछ देखने का ज़रूरत है, क्यों आए लोन ले, नहीं ले, मिले पैसा, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट उन्हें फ़र्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि दैट इज़ अ इनकम ऑफ द बैंक, राइट। हमने पढ़ा था जो डिपॉजिट करते हैं लोग पैसे, और जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, मतलब जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट से जो लोग डिपॉजिट करते हैं उन्हें पैसा मिलता है, और जो लोग लोन लेते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से मिल रही है, जो लोग लोन लेते हैं। सो RBI क्या करता है, मॉनिटर्स करता है कि कैश बैलेंस जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं। So the RBI sees that the banks gives loans not only to profit making businesses and traders but also small cultivators, small scale industries. So RBI ये भी देखता है कि इतना ज़्यादा हमें profit नहीं करना है, या फिर हम ऐसे money minded नहीं हो जाएंगे कि सिर्फ हम बड़े बड़े businessman को ही देंगे loan, but क्या करेंगे, जो छोटे small scale industries जो बना रहे हैं, जो छोटे cultivators हैं, उन्हें भी क्या करेंगे, उन्हें भी proper loan मिल रहा है या नहीं, ये चीज कौन देखता है, ये चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। सो इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द फंक्शन ऑफ RBI, ये जो आपका तीन पॉइंट है वो आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर फंक्शन ऑफ RBI। नाउ मूविंग ऑन टू इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर।
अब इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में जैसे आपको समझा दिया कि फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि प्रॉपरली लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन रहता है, कुछ फ्रॉड का चांसेस नहीं होता है। बट वही इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो जाते हैं कि फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो कि क्या देखता है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो जो क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, उन्हें कितना दे रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम क्या है, ये सब कोई देखने वाला नहीं है। देर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। अब पैसा वापस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो गुंडे भिजवा दिए, मारपीट करने लग गए, तो ऐसा क्या है कि कोई देखने वाला नहीं है कि क्या फ्रॉड कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं अपना पैसा वापस लाने के लिए। दे कैन लेंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। अब बैंक्स का क्या है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, सबके लिए वही है। बट यहाँ क्या है कि अगर कोई एक मनी लेंडर का फेवरेट कोई लोग है या फिर उसके लिए काम करने वाला है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में दे दिया, लेकिन जिससे उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है या फिर कोई दुश्मनी है तो उससे क्या हो गया, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे दिया। तो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। और क्या है कि ऐसे ही उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। सो दिस वॉज इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। अब क्या है, इसीलिए हमें क्या होता है कि हमें मोस्टली फॉर्मल सेक्टर जो बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं, उन्हीं से प्रेफर करना चाहिए लोन लेना। सो दिस इज़ क्रेडिट सिस्टम ऑफ हाउसेस। कैसे करके क्रेडिट सिस्टम होता है, मतलब कौन लोग, कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से प्रेफर करते हैं लोन लेना। सो सबसे पहले क्या है, पुअर हाउस होल्ड हम लोग देखेंगे कि वो लोग कहाँ से लोन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लू में दिया हुआ, दैट इज़ परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। जो ब्लू है वो इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग हैं, और जो पर्पल है वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर वाले लोग हैं। सो ब्लू क्या हो गया, ये सो पुअर हाउस होल्ड जो है वो 85% क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, वेयर एज 15% ही सिर्फ क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। अब हाउसेस विद अ फ्यू एसेट्स, थोड़े से पुअर हाउस होल्ड से थोड़े से अपर में जो आते हैं वो क्या होता है कि 53% क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और 47 क्या है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। एंड वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, जो अच्छे खासे घर है, पैसे वाले हैं, वो क्या होता है, 72% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पल वाला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग के पास पैसा आ रहा है, या रिच हो रहे हैं, या फिर एजुकेटेड हो रहे हैं, या फिर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि जो पर्पल वाला साइड है वो बढ़ रहा है। एंड पर्पल वाला साइड क्या है, फॉर्मल सेक्टर है। सो ये लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना। फॉर्मल सेक्टर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स। तो 72% क्या है कि फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, एंड 28% सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं लोन। एंड हियर रिच हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, 90% जो लोन है वो कहाँ से ले रहे हैं, वो बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले रहे हैं। ओनली 10% जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर फॉर द लोन। सो क्या हुआ कि जितना हम ये देख रहे हैं कि जितना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, या फिर रिच हो रहे हैं लोग, एजुकेशन हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ से लोन लेना ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 3 कंक्लूजन हमने निकाला है ये सारा जो स्लाइड्स है वो कवर करने के बाद। सो लेट्स सी, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट। अब अगर आपको कुछ एक लोन क्यों लेते हैं लोग, बेसिकली लोन क्यों लेते हैं, अपना कोई काम पूरा करने के लिए लेते हैं, राइट। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये काम करके हमें पैसा मिलेगा। अब अगर आपको 50,000 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, आपने लोन लिया 50,000 का, और अगर आपको पैसा मिल रहा है, और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के, मतलब जैसे अगर आपने 50,000 लिया और आपको सोचे 70,000 मिल रहा है, ठीक है, कहीं से लोन लेने के बाद,
कुछ काम किया आपने, उससे प्रॉफिट हुआ आपको। अब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के आपको वापस करना पड़े बैंक को 80,000, सो क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट? उससे क्या हो जाएगा कि और लॉस हो जाएगा। सो हमने कंक्लूजन में ये निकाला कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, मतलब रेट जो होता है, क्रेडिट रेट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होता है कि वो लो रहना चाहिए, सो दैट पीपल कैन अर्न देयर लिविंग, या फिर लोन लेके जो उन्होंने लोन लिया है उससे उनको प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो और पैसा बचे, इवन आफ्टर जो लोन लिया है उसे चुकाने के बाद भी विद इंटरेस्ट, उसके बाद भी उनके पास क्या है, दे आर लेफ्ट विद सम अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीजेज देयर लेंडिंग particularly in the rural areas, right? हमने rural areas में जो देखा वो क्या था कि mostly वो लोग कहाँ से loan लेना prefer कर रहे थे, money lender से, और वो लोग क्या हो रहा था, उन्हें cheat भी कर रहे थे, right? So क्या होता है कि banks and cooperative societies को ये जो lending जो है loan देने वाला वो क्या है, rural areas में भी spread करना चाहिए ज़्यादा, so that the dependence on informal sources of credit reduces. While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. अब जो लोन तो ठीक है, हमने बात कर लिया कि बैंक्स को, फॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रूरल एरियाज़ में भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसा ही ना मिले, ठीक है? इतने जन को लोन देने लग गए कि उनके पास ही पैसा नहीं बचा, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्रप्ट हो गया, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है, उन्हें सोच समझ के प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वेरिफिकेशन के साथ लोन देना चाहिए। सो दिस वॉज योर मनी एंड क्रेडिट, और एक टॉपिक जो बचा है वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम टॉपिक कवर कर लेंगे। एंड आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से ये समझाया होगा और आपको डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो का अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो और इस वीडियो से आपका कुछ भी हेल्प हुआ हो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही और भी वीडियोज सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज विजिट YouTube एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बियॉन्ड टीचिंग्स। बाय बाय, थैंक यू।